इवन योगा बैडमिंटन देख प्रमोट कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इंडिया में, कैसा लगा? वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि बहुत एक नई और यूनिक सी चीज़ हो रही है और बड़ौदा टीम मेरी है, मैं और ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि बहुत अलग कुछ हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड जैसे हमने IPL में हमने देखा, हम चाहते हैं कि बैडमिंटन में भी उसी तरह से ग्रो हो, सो दैट्स द थिंग, हम लोग उसी की कोशिश में लगे हुए हैं। ओके मैम, बैडमिंटन के बात करें तो ये जो सीज़न होने वाला है तो किस तरह के लोगों को आप चुनने वाले हैं, कुछ अगर आप थोड़ा डिटेल्स अगर आप बताना चाहिए? जो प्लेयर्स होंगे वो प्रॉपर प्रोफेशनल प्लेयर्स ही हैं और जैसे हम IPL में देखते हैं ऑक्शंस होती हैं तो उसी तरह से हम लोग आगे करने वाले हैं और सारे। ओके आगे की क्या प्लानिंग होगी, ये कहाँ पे दिखने वाला है और कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होगा इवेंट, उसके बारे में थोड़ा करो। जो हमारे मोस्टली जो मैचेस होने वाले हैं वो राजस्थान में, मोस्टली शायद जयपुर जोधपुर एंड लेट्स सी, वी आर स्टिल प्लानिंग कि शायद मुंबई में भी कराएं, तो अभी तक वो उसका वेन्यू थोड़ा सा एक्साइटेड नहीं है बट मोस्टली राजस्थान। ओके, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ शेयर करना चाहिए? आप अभी एक शो कर रहे हैं? हाँ, अभी मैं फिलहाल दो शोज कर रही हूँ, मैं कलर्स का कर रही हूँ, मेरा बालम खाने का, yes. और सोनी का कर रही हूँ, मेहंदी वाला कर। सो आर यू मैनेजिंग टू शोज, मतलब कैसे मैनेज कर रहे हो? सो रहा है, आपको दिख नहीं रही, मैं थकी हुई थोड़ी सी, सो रहा है बस। हो रहा है। ओके, आखिर में अपने फैंस से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप फ्यूचर में रियलिटी शो में आप देख पाएंगे? रियलिटी शो यार, थैंक यू सो मच। बैडमिंटन Desi Desi Namalaka fame from Haryana and India's biggest corporate comedian Mr. Naveen Prabhakar, who's popular for his act Pehchan Ko. So I'll just pass it over to MD and Naveen. MD and NP. सर क्या कहना चाहोगे, युवा बैडमिंटन लीग है, क्या आप भी ओनर है, कोई टीम को आप हैंडल कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए टीम को हम क्या हैंडल करेंगे, ऑलरेडी टीम लीडर्स अभी अपॉइंटेड एंड लेट मी बी फ्रैंक, ये शायद ही कोई कहेगा आपको टीम मेंबर्स और बोर्ड मेंबर्स की ओर से, तो अगर कोई नहीं कहे तो नवीन प्रभाकर आपसे शेयर करेगा कि बैडमिंटन ये गेम है ना, ये शाश्वत अपना हिंदुस्तानी गेम है और आई थिंक 1912 या 1920 का वो दशक था, उस वक्त इसको पूना गेम करके बुलाया जाता था और ये पूना गेम से फिर वहाँ के ब्रिटिशर्स वो यूके गए और यूके जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने अपना गेम का नाम चेंज किया और यू नो गेम चेंजेस तो होते ही, सो वहाँ से अपना एक बैडमिंटन गेम करके उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अगर आप विकिपीडिया पर देखेंगे ये हमारा अपना गेम है और बैडमिंटन इज आवर गेम। सर आप क्या कहना चाहिए, आपकी कौन सी टीम है कुछ अगर आप बता सके, आपकी कौन सी टीम है, कौन सी टीम के आप ओनर कर रहे हैं? मैं ओनर नहीं हूँ, मैं सबसे पहले मैं पूरी टीम को पहले युवा बैडमिंटन लीग के जितने भी खेल रहे हैं या ओनर हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं तो एक ये सिंपल सी बात है जैसे एक लाइक CCL ऐसी ही बहुत अच्छी मुहिम है, हमारे कैप्टन साहब की कैप्टन और कंवर भाई पवन जाकर की काफ़ी अच्छी मुहिम है, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक हैं ये सब लीग से जुड़े और बाकी भाई मेरा गाने का काम है, देखो वेडिंग तो वो करेंगे, बाकी बीच बीच में जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते रहेगा हम एंटरटेन करेंगे ऐसे ब्रांड बात। और मुझे गाना गाएंगे साथ में और गाना तो ठीक है, लेकिन गाने से पहले ना मुझे ये गेम पूछिए आप, ये मुझे गेम क्यों ज़्यादा पसंद है? आपके चश्मे भी अच्छे लग रहे थे यार, ये तो हमारी आइडेंटिटी बनने जा रही है, लेकिन यू नो ये गेम मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें लव होता है, लव ऑल होता है, लव वन होता है, यू नो
सो वैलेंटाइन डे पे ये आपको लव ऑल लव वन चॉइस इज योर्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. थैंक यू. मैम क्या कहना चाहोगे, आज आप युवा बैडमिंटन लीग में आए, कैसा लग रहा है और क्या आप इस प्रीमियम लीग के ओनर है, क्या है कुछ अगर आप बताना चाहें? तो मैं तो आज यहाँ पे ये सोच रहा है कि ये सबसे पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार जैसा कि इवेंट हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है. मैं भी अच्छी नहीं थी बैडमिंटन की, मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है. मैं ऐसे कैसे आई हूँ यहाँ पर. ओके दिव्या मैम के साथ आप रहे, कैसा रहा कुछ एक्सपीरियंस, यू आर द विनर रहे, क्या कहना चाहोगे? दिव्या मैम सबसे बेस्ट होस्ट है. आई हैव नॉट सीन के उनसे अच्छा कोई सोल होता है. शी इज वेरी प्योर, वेरी अप्रोची. इवन एज अ न्यू कमर मेरे को बहुत डाउट्स होते थे इस इंडस्ट्री को लेकर कि कैसे जाऊँ क्या करूँ, बट शी इज ऑलवेज बीन अ टीचर, अ हेल्पिंग गाइड, एज अ फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड. शी इज अ वंडरफुल पर्सन. आगे की क्या प्लानिंग है, क्या बिग बॉस करने का इरादा है आपका? बिग बॉस तो मेरा बचपन से सपना रहा है. लाइक आई डोंट नो लोगों को ऐसा लगता है मैं मूवी एक्टर बनूंगी या ये करूंगी वो करूंगी, तो सबसे बड़ा सपना रहा है कि मुझे बिग बॉस जाना. बिकॉज आई सलमान खान और मुझे तो बस वहाँ पे स्टेज पे अपना नाम सुनना है कि नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज वर्षा हेगड़े, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. ऐसा लगेगा भाई सपने सारे सच कर दिए मैंने. ओके ये सीज़न आपने देखा होगा तो कैसा लगा ये सीज़न? OTT में आप जाना पसंद करेंगे और क्या कैसा लगा मुनावर फारूकी जीत चुके हैं? मुनावर फारूकी बहुत वन ऑफ माई फेवरेट और बहुत अच्छा खेलता है, क्लीन खेलता है और बहुत फोकस्ड रहता है पूरे गेम में. तो इट्स वेरी गुड एंड वेरी टफ कंपटीशन कोई भी कंपटीशन में आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.